दोस्तों, साल 1999 में आई फिल्म दहक तो आप सभी ने देखी होगी, जिसकी कहानी दो प्रेमियों यानी लवर्स पर आधारित थी, जो कि दो अलग अलग धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। और इन दो प्रेमियों का किरदार निभाया था अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्री ने, जिन्होंने अपने इस किरदार को इस कदर निभाया था कि दर्शक उनके फ़ैन ही हो गए थे। साथ ही इस फिल्म में इनकी जोड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। इन्हीं किरदारों को निभाने वाले कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी और बारीक तरीके से पर्दे पर पेश किया और दर्शकों का दिल जीता। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म को रिलीज़ हुए आज पूरे 21 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बीते सालों में फिल्म में नजर आए समीना और समीर रोशन का किरदार निभाने वाले ये दोनों कलाकार आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों ही कलाकारों के आज के हालातों से रूबरू करवाएंगे। और अगर आप भी इनसे जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दहक फिल्म में नजर आई समीना का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में, जिनका असल नाम सोनाली बेंद्रे है। इनका जन्म साल 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार के अंदर हुआ, इसलिए इन्होंने सारी पढ़ाई लिखाई वहीं से पूरी की। अब बात कर लेते हैं इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में आई फिल्म दिल जले के साथ की थी और ये सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद इन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन से काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया और एंटरटेन किया और साथ ही बन गई एक सफल अभिनेत्री। लेकिन अगर बात की जाए इनके 21 साल के बदले हुए इनके रूप के बारे में यानी कि इनके लुक के बारे में, तो आपको बता दें कि फिल्म में सिंपल सूट सलवार तो कभी साड़ी पहने नजर आई थी सोनाली, साथ ही ये इस फिल्म में कभी छोटी किए तो कभी खुले बालों में नजर आई थी, वहीं माथे पर बिंदी लगाए गले में नेकलेस पहने नजर आती थी। वहीं आपको बता दें कि आज ये जीन्स टॉप और स्टाइलिश सूट गाउन और वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करती हुई नजर आती हैं, साथ ही अब ये बेहद ही ज़्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखाई देती हैं। वहीं अब 45 साल की उम्र में इनके चेहरे पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियां भी साफ साफ नजर आने लगी हैं और इनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी दिखाई देने लगे हैं। अब ये पहले जितनी सुंदर भी नहीं दिखती। लेकिन अगर बात की जाए इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 2002 में गोल्डी बहल के साथ शादी कर घर बसाया था, जो कि प्रोफेशन से एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर बात करें फिल्म में समीर रोशन का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में, तो इनका असल नाम अक्षय खन्ना है, जिनका जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई के महाराष्ट्र शहर में हुआ और वहीं इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से पूरी की है। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1997 में आई हिमालय पुत्र फिल्म के साथ की थी, जिसमें इनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया और पसंद भी किया गया। लेकिन अगर बात की जाए 21 साल में बदले हुए इनके रूप के बारे में, तो बता दें कि इस फिल्म में सिंपल लुक यानी अवतार में नजर आए थे, जिसमें ये सिंपल शर्ट पैंट और सिंपल हेयर स्टाइल में नजर आए थे। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रूप के बारे में यानी कि इनके लुक के बारे में, तो बता दें कि आज ये जीन्स टी शर्ट ब्लेजर और वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करते नजर आते हैं, वहीं अब ये 46 साल की उम्र में पहले से कम हैंडसम दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पर साफ साफ झुर्रियाँ देखी जा सकती हैं, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बाद इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि आज भी ये सिंगल हैं और ये मुंबई में अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन दोनों जोड़ी के बदले हुए रूप के बारे में जानकर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।